हाँ प्रिया आ गई। ओ शिट, आई एम सॉरी यार, आई थिंक वो चाबी मेरे साथ ही आ गई। ओके ओके, आई नो आई नो आई नो, प्लीज सॉरी सॉरी। एक काम कर, मुझे 10 मिनट दे, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ओके ठीक है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है तनिषा, चाबी तुम्हारे पास रह गई है तो। यार वो सब तो ठीक है राघव, एक्चुअली प्रिया जो है ना वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई है। अरे यार, तो मुंबई में तुम्हारी कितनी फ्रेंड्स हैं, उसको बोल दो कहीं भी ठहर जाएगी, सुबह जाकर चाबी दे देना। यार प्रिया का जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि वो किसी के घर में नहीं रहेगी, किसी होटल में नहीं रहेगी, रात भर रहेगी बिल्डिंग में रहेगी, पर जाएगी नहीं कहीं वो। तो एक बार उसको बोल दो ना कि वो होटल में आज रात रुक जाए, अगर तुम इस वक्त चाबी देने जाओगी तो सुबह आने में तुम्हें लेट होगा। मैंने अभी कहा ना, वो सारी रात बिल्डिंग में बैठी रहेगी पर होटल नहीं जाएगी। तो फिर अब क्या करोगी तुम? आई थिंक एक ही रास्ता है, मैं जाकर उसे चाबी देकर आती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ फिर चाबी देकर आओ, लेकिन एक काम करो आज रात वहीं रुक जाना। ओके लेकिन सुबह जल्दी आना। यस रात का समय है, गाड़ी संभल कर चलाना। कम ऑन बेबी, डोंट वरी, मैं रात को गाड़ी अच्छा चला लेती हूँ। फिर भी तुम टेंशन मत लो। ओके अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ ठीक है, और कुछ? टाइम पर खाना खा लेना और जल्दी सो जाना। डोंट वरी, पहुंचकर कॉल कर देना। ओके बेबी, टेक केयर, बाय। औरत एक अजीब पहेली होती है जिसे दुनिया का शायद ही कोई इंसान समझ सके। कहते हैं औरत के कई रूप होते हैं, जिनमें से औरत का एक रूप ऐसा भी होता है जिसे दुनिया हमेशा गलत नजरों से देखती है। और औरत का वो रूप होता है एक वेश्या का रूप। वेश्या कभी भी मां के कोख से पैदा नहीं होती, औरत अगर वेश्या बनती है तो कुछ हालातों से। और कहते हैं जब हालात बुरे होते हैं तो दुनिया की खूबसूरत लड़की भी अपने हालातों को सुधारने के लिए उस राह पर चल पड़ती है जिसे हम और हमारा समाज हमेशा बुरी नज़र से देखता है।
शायद औरत का यही दुर्भाग्य है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। हाँ तनिषा। हेलो राघव, सुनो ज्यादा सिगरेट मत पीना, ओके? अरे बाबा, तुम्हें पता है ना राइटिंग के वक्त मुझे सिगरेट की जरूरत होती है। बेबी, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है सिगरेट पीना। खैर ये सब छोड़ो, बताओ तुम कहाँ तक पहुँची? वेल, मैं अभी तो ऑन द वे हूँ, टाइम लगेगा। कुछ कह नहीं सकती, अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। ओके अच्छा सुनो, मिस यू। मिस यू, आई मिस यू टू राघव। बस रात भर की बात है, सुबह होते ही तुम्हारे सामने। डोंट वरी अबाउट मी बेबी। अपना ख्याल रखना और घर पहुंच के मुझे फोन कर। जरूर, और तुम भी खाना खा लेना और रात भर राइटिंग करते हुए मत बैठे रहना। चलो बाय। ओके बाय। बाय, लव यू। औरत अच्छी हो या बुरी, अगर उन्हें एक समान नजरों से देखा जाए तो शायद वैश्या भी देवी का रूप कहलाए। आप में से बहुत से लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। 4 जून कोई ऐतिहासिक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में आपस में भिड़ेंगी। उस दिन संडे है, रविवार का दिन है, और आप में से बहुत से लोगों ने अभी से ही ये मैच देखने के लिए अपने प्लान्स बना लिए होंगे। अक्सर भारत और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि रविवार को अगर भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिल जाए टीवी पर तो इससे बढ़िया हो। अब रात दिन और चारों पहर इस जमीन पे मेरी जन्नत है, इस बात का हमको गुरूर है, मैं तेरा हूं तू मेरी है। नजरें मिली दिल गुफ्तगू करने।
कौन हो सकता है इतनी रात में यार। कौन? Please help us, sir. सर, मेरा नाम सिंकी है और मेरे साथ मेरी फ्रेंड पिंकी है। सर, हम प्रॉब्लम में हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। सर प्लीज बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मोबाइल में नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो आपको हम लोग ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते सर। प्लीज सर, हमारी हेल्प करिए ना। ओके, आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी टैक्सी वाले को फोन करता हूँ। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, मैं फोन लेके आता हूँ। सर, हम लोग अंदर आके वेट कर सकते हैं क्या? बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए टॉवल लेके आता हूँ। ये मेरे होने वाली वाइफ की फोटो है। ओह, सो सेक्सी एंड हॉट। थैंक यू। आपके होने वाली वाइफ, शी इज नॉट स्टेइंग विद यू? जी नहीं, वो मेरे साथ ही रहती हैं। आज उसको कुछ अर्जेंट काम से मुंबई जाना पड़ा, कल तक वापस आ जाएंगी। ओके। आप लोग अपने बालों को सुखा लीजिए, मैं टैक्सी वाले को फोन करता हूँ। ओके। ट्रैफिक। एक तो राघव का फोन नहीं लग रहा है, ऊपर से शिट ट्रैफिक। एक्चुअली बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाद में ट्राई करता हूँ। अगर आप चाहें तो अंदर जाके कपड़े चेंज कर सकती हैं, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ओके। ये कहाँ सुखाने डाले? लाइए, मैं सुखा देता हूँ। ओके।
आपण ज्या नंबरवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहात तो यावेळी संपर्क क्षेत्रामध्ये नाही किंवा बंद आहे. कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा. न जाने कौन से मनहूस घड़ी में निकली थी मैं. एक तो राघव का फोन नहीं लग रहा है, ऊपर से ये ट्रैफिक. क्या पता राघव ने खाना खाया होगा कि नहीं. डांस अच्छा कर लेती हैं आप लोग. थैंक यू. एनीवेज आप लोग के कपड़े सूख चुके हैं, अंदर जाके चेंज कर लीजिए. तब तक मैं फोन ट्राई करता हूँ. तुम लोगों ने अभी तक अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? सर, इतनी जल्दी भी क्या है, टैक्सी वाले का कॉल आते ही हम चेंज कर लेंगे. सही कहा राजी. जब तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ जाता तब तक हमारे साथ लाइफ एंजॉय करिए ना. लाइफ एंजॉय? मैं कुछ समझा नहीं. मैं आपको समझाती हूँ. हमारे साथ डांस कीजिए ना थोड़ा सा. देखिए ऐसा है, ना मुझे कोई डांस का शौक है और ना मुझे आता है. अरे हम सिखा देंगे डांस. मुझे लगता है आप लोग को अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए. With you. ऐसी लाइफ आपको देना चाहते हैं जो हर कोई ख्वाबों में ऐसी लाइफ देखता है. एंजॉय करिए ना सर. मैं कुछ समझा नहीं. आओ मैं समझाती हूँ. क्या बदतमीजी है? You don't want मजे? Tell me, please. ये तो प्यार करने का तरीका है. आप लोग जैसा मुझे समझ रही है ना,
मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। Come on, baby. Come on. Let's enjoy. हटो यार। जाकर अपने कपड़े चेंज करो और निकलो यहाँ से। निकलो। से फंसे हैं उन्नो, एक बज रहा है। हाँ प्रिया, अरे यार पता है मुझे, एक बज रहा है और मैं बहुत बुरी तरह ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। आई नो बेबी। अच्छा तू एक काम कर, बाजू वाले बिल्डिंग में पूजा है ना, तो उसके घर चली जा। यस बेबी यू आर सेफ। आई डोंट नो यार मैं कब पहुँचूँगी। देख मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अगर हुआ तो मैं आज पहुँचूँगी, नहीं तो मैं कल आती हूँ। क्या करूँ बेबी, ट्रैफिक बहुत है। ओके बाय, टेक केयर, या गुड नाइट। हेलो, इतने देर से क्या कर रही हो तुम लोग अंदर? अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए तुम लोगों ने? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम लोग? तुम लोग ने सुना नहीं अभी तक मैंने क्या कहा? देखो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम लोग शराफत से बाहर नहीं आई ना, ये लाइट को भी अभी जाना था। अरे तुम लोग कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? देखो अगर तुम लोग सीधी तरह से बाहर नहीं आए ना, तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ हो तुम लोग? अगर तुम लोग सामने नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए? Come on, baby. Come. I want you. लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। रुको मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? ये क्या अभी मतलब तो सारी रात बाकी है। छोड़ो मुझे। Come on, babe. ये भगवान, अगर इस बार राघव का फोन नहीं लगा तो मैं 100 नंबर डाल करूंगी। बस 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 करो, बहुत हो चुका है। No. छोड़ो मुझे। No, baby. क्या हुआ? Come. मत जाओ ना। एक मिनट रुको। Hey, don't go. शायद तनिषा का फोन होगा। What? अगर मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, फोन छोड़ो ना, तो वो गलत समझेगी। प्लीज बेबी, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ ना। तुमने इतनी जल्दी कपड़े क्यों पहन लिए बेबी? Come on ना बेबी, आओ ना।
जब तक मैं तनीषा से बात कर रहा हूँ तुम लोग फटाफट अपने कपड़े चेंज करो। गर्लफ्रेंड्स कॉल। तनीषा। हाँ तनीषा, लगता है तुम घर पहुँच गई हो। वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे क्या होगा? हाँ मगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो शायद वो दिन आखिरी दिन होगा। राघव हुआ क्या है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, जब तक हमारे प्यार पे किसी की बुरी नजर ना पड़े। राघव क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पानी पी रहा था। अच्छा ये बताओ रास्ते में कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? और वो तुम्हारी फ्रेंड प्रिया कैसी है? पता नहीं यार, लेकिन मैंने उसके रहने का इंतजाम अपने फ्रेंड के यहाँ करवा दिया है। 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंसी हुई थी, क्या करती मैं, ऊपर से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर करके थक गई, इसीलिए मैं वापस आ रही हूँ। क्या, मैं कुछ समझा नहीं, तुम वापस आ रही हो? हेलो तनीषा, क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये लड़कियों की आवाज कहाँ से आ रही है? राघव कौन है वहाँ तुम्हारे साथ? कोई नहीं, वो घर में टीवी चल रहा है ना, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी? भगवान करे कि ये मेरी गलतफहमी ही हो। और अगर मेरी गलतफहमी सही निकली तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगी। ऐसा मत बोलो तनीषा, यकीन करो मेरा, तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा ये बताओ तुम कितनी देर में आ रही हो यहाँ पे? मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद 2-3 घंटे मुझे पहुँचने में लग जाए। हाँ ठीक है बेबी, तुम आराम से आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर। अगर मेरी गलतफहमी सही निकली तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
नाइस, आई एम रेडी। छोड़ूंगी तुझे, छटपटा के कोई फायदा नहीं। अगर पहले मान गए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों बेबी? Yes, baby. बहुत गुस्सा आ रहा ना तुम्हें? हाँ, हमें भी गुस्सा आया था जब तुमने हम लोगों को लात मार के घर से निकाल दिया था। याद है? याद है ना बेबी? बेबी हाँ? Yes, baby. You know what? We don't take advance from anyone for a long time. हम लोग किसी का भी कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते। क्या करें? फितरत से लाचार है ना? You love us, right? Then give us her number. We will call her, talk to her, We will all enjoy. Baby. ये कैसे नंबर देगा? इसका तो मुंह ही बंद है ना। When I was doing my makeup, I was wondering how to take your girlfriend's number. We can take it from your phone, right? Yes. Yes. मोबाइल इसी के पास होगा। चलो बेबी, तलाशी लेते हैं। बेबी, इसको फोन निकालते हैं। निकालो फोन। निकालो, हिलना मत। ओह बेबी, सेल्फी। या कम ऑन सेल्फी। या कम ऑन। या कम कम हियर। बेबी दिखो दिखो सेल्फी दिखो सेल्फी दिखो। भेजो तुम्हारी डार्लिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। सेंड कर दो। तनिषा से बुरे दिखते हैं क्या? हाँ, हमने तुम्हें वो मजा नहीं दिया क्या? हम लोग तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझे थे, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे साथ किस किया। लेकिन तुम जैसे ही तनिषा के आने की बात सुनी, तुमने हम लोगों को लात मार कर निकाल दिया। लात मार कर निकाल दिया था ना तुमने? बता बताए तुम्हें हम? अभी भेजो तनिषा को फोटो। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे जो हमेशा हम लोग दोनों खेलते हैं। लेकिन बेबी आज आज पहली बार इनके सामने हम लोग वो गेम खेलेंगे। जानते हो? जानते हो कौन सा गेम? मौत का गेम। अब हम शुरू करते हैं मौत का गेम। Okay.
अब मेरी बारी, मेरी मेरी। अब बचे हैं दो मौके, अब देखते हैं किस्मत तेरी या मेरी किसका साथ देती है। अब तुम भी देखना चाहोगे ना जान? बोलो बोलो बोलो। रेडी रेडी। Yes, this is the last one. There is nothing. You don't know this? Huh? Did you like the game? Yeah, yeah. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me na, baby. Chal na yaar, bahut zor se bhook lagi hai. Hum khana kha ke aate hain. Chal, 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 chal. Chalo na khana khane. No, baby. You go. I will have him tonight. You wanna some more? Khana? You enjoy, baby. Enjoy. Enjoy. Yeah. Come on, baby. Don't get scared. मैंने तुम लोगों की मदद की, ऊपर से तुम लोगों ने मेरे साथ ही जबरदस्ती की। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो मुझे तनिषा से अलग करना चाहती हो? प्यार करता हूँ मैं तनिषा से, इससे पहले कि तुम लोग अरमान पूरे हो ना, जान से मार दूंगा मैं तुम लोग को। बस की बात नहीं है। बहुत वफादार बनता है ना तू। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हा? अगर तू सच में वफादार होता ना तो हम लोग जितना भी जोर जबरदस्ती करते तेरे साथ। लेकिन तू तू हमारे साथ कभी हम बिस्तर नहीं होता। वफादार तनिषा, अरे रुको। बस राघव, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
चक्कर आ रहे हैं बस, नीचे उतारो ना। राघव, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लूंगा। अरे बाबा, मजाक कर रहा था। राघव, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। बस ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होगा तुम्हारा। राघव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जानते हो ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं, और यही उम्मीद मैं तुमसे भी रखती हूँ। तनीषा, तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी है ना तो वो निकाल दो। मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की नहीं आ सकती, और मैं आने भी नहीं दूंगा। देखो, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं जिंदगी में तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। सच? I love you. Love you too. नमस्कार दोस्तों, आज हम सबके सामने स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं मिस्टर राघव को, जो है एक नामी फेमस राइटर, और आज करेंगे हम लोग उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत। ओ, मिस्टर राघव तो होश में ही नहीं है, तो हम लोगों को करना होगा मिस्टर राघव के होश में आने का इंतजार। मिस्टर राघव को होश आया, ये मिस्टर राघव को होश आया। तो दोस्तों, अब करते हैं हम सवालों का सिलसिला शुरू। तो मिस्टर राघव, हम सब जानना चाहते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर? हाँ? सवाल का जवाब सोच समझ के देना, नहीं तो मिलेगी सजा। पानी पानी हाँ? वो सही नहीं है। अच्छा? सही नहीं है। बेबी सुना? अच्छा? अच्छा? And what you did with us? Was it right? Tell me. Tell me. Tell me. Tell me, baby. It was right. It was right. It was right. Tell me. 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 मैंने तुम लोग साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुसीबत में थी ये सोचकर मैंने तुम लोग की मदद की, पर मुझे क्या पता था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? जानू ना तेरा वादा।
लोग बहुत मजा देते हैं। हाँ? जब मजा देते हैं तो मजा लेने का भी हक है ना जॉन? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब मतलब मैं समझाती हूँ मैं समझाती हूँ मतलब मैं समझाती हूँ। When you are hungry, you eat your food, na? So you know what is the meaning of hunger, huh? Same here. We are hungry for this. Until we are not satisfied, we'll become mad. Okay? You know that? You know? Tell me. I don't think you will be able to give the right answer. Am I right? Take hay. मजा आया, मजा आया, और मजा कराती हूँ। और क्या हुआ? क्या हुआ? Why are you looking so worried? पुलिस, पुलिस। सभी चला के की ना तो याद है ना हमारे साथ जो मजा किया था। सेंड कर दो तुम्हारे गर्लफ्रेंड को, कर दो, सेंड कर दो। हाँ? नहीं तो मेरा जानू मेरा जानू मेरा बेबी इंस्पेक्टर साहब, आप इस टाइम कोई खास वजह? बिना खास वजह के हम पुलिस वाले कहीं भी नहीं जाते। मैं कुछ समझी नहीं। अंदर चलिए, सब समझाता हूँ। ये बंगला मिस्टर राघो का है ना? आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा? हाँ सर, उनका ही तो है। एक्चुअली आज ही हम लोग आए ना, इसलिए। हम लोग मतलब? हम लोग मतलब मैं और मेरी बहन। हाँ। अच्छा अच्छा। मिस्टर राघो दिखाई नहीं दे रहे? राघो, राघो सर और तनिषा मैम मुंबई गए हैं। कुछ अर्जेंट काम था ना, उनको कल तक आ जाएंगे। कोई बात नहीं, खाम खाए इतनी रात को आप लोगों को तकलीफ दी है, आप समझ सकती हैं। हम पुलिस हाँ, वाले की ड्यूटी कुछ ऐसी होती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। राघव जी आए तो बता दीजिए कि मैं आया। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये खून कैसा है? खून, खून, खून सर। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं और मेरी बहन पार्टी एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई और कट भी गई। उसका ही खून है सर, नथिंग इज सीरियस। हाँ सर, सर तुम्हारी बहन से मिलना चाहते हैं? नहीं सर, आप उनसे नहीं मिल सकते हो, प्लीज। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो बुलाओ उसको। वो आ नहीं सकती है सर अभी। नहीं आ सकती? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली क्या है ना सर, वो जब बहुत ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है, वो तब तक स्विमिंग से नहीं निकलती है जब तक उसका नशा ना उतर जाए, तो इसीलिए नहीं बुला सकती उसको सर। कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकती, हम तो जा सकते हैं उसके पास। हम ओके, आइए चलो हम लोग जा सकते हैं। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहन पूल में है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर स्विमिंग पूल में तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सच सच बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरी बात का जवाब दो। सर मैं सच कह रही हूँ, वो पूल में ही थी, पता नहीं दिखाई नहीं दे रही है, शायद कहीं इधर इधर होगी। हाँ शायद, पता कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी बहन का खून कर दिया और कानून से बचने के लिए। आ गई, यही है मेरी बहन। सर आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? कोई खास बात नहीं, रूटीन चेकअप। चीख की आवाज सुनी इसलिए चेक करने चला आया। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ। दरअसल रात का समय है, सुनसान एरिया है। हाँ। जरा संभल के रहिएगा। हाँ सर। कोई तकलीफ हो तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, बाय। Baby, come on. Where are you going, baby?
करने का मजा तभी आता है जब सामने वाला पार्टनर साथ दे। बेबी, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग तनिषा को कुछ ना बताएं, तो हम लोग जो बोले वो करो, नहीं तो हम ये वीडियो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भेज देंगे। Enjoy, baby. Baby, come on, come close to me. दुनिया में कोई वफादार नहीं होता, कहीं ना कहीं इंसान से चूक हो ही जाती है, और उसका खामियाजा इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। काफी देर हो गया, राघव को फोन ट्राई करूं क्या? शायद सो गया होगा, मैसेज दे देती हूँ। जान, मैंने फोन ट्राई किया पर लगा नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए यह मैसेज कर रही हूँ, ताकि अगर आप सो रहे हो तो आपकी नींद खराब ना हो, और अगर आप जाग रहे हो तो आधे घंटे में अपने सामने पाओगे मुझे। देखती हूँ किस्मत आज मेरा साथ देती है या नहीं। Thank you.
सोचा था भगवान हम जैसे कमीने इंसान को इतनी जल्दी ऊपर बुला लेगा? हाँ देखो तुम लोग ने जो जो चाहा वो मैंने किया, अब प्लीज जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, चले जाने तो आए हैं ना। लेकिन उससे पहले कहानी का देंड तो करते जाए। देंड? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाती हूँ, आओ ना बैठो। कहते हैं जब अरमान मचलने लगते हैं तो उनको काबू करने की जगह पूरे कर लेना चाहिए। बॉयफ्रेंड इज सो पावरफुल इन क्या? आप पूरी लाइफ हैप्पी रहोगी। बाय बेबी, बाय। कम ऑन सिंकी। बाय बेबी। तनिषा, तनिषा मेरी बात सुनो। मैं समझाता हूँ। तनिषा मेरी बात सुनो। छोड़ो इसे। तनिषा मेरी बात सुनो। प्लीज तनिषा, मैं समझा रहा हूँ। तनिषा प्लीज, मुझे कभी मत दिखाना। तनिषा शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मैम, कुरियर बॉय। मैडम, आपका कुरियर यहां साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम।
ये तो राघव के कंपनी का एनवेलप है। तुम मुझे जिंदगी के कैसे मोड़ पर छोड़ के चली गई जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर तुमने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मैं तुम्हारे सामने होता, मगर अब नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया था कि जिस दिन तुम मेरा साथ छोड़ दोगी वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और हाँ, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी उस समय तक मैं दुनिया को अलविदा कह चुका हूँ। अपना ख्याल रखना।